वेलकम बैक गाइस। यार आज ना हम बात करने लगे हैं द गोल्डन स्पून सीरीज के बारे में। क्या तुमने फिलोसोफर पार्क जिवोन का नाम सुना है? जब वो क्विंग साम्राज्य गए थे तो वहाँ से ये तोहफे के तौर पर लाए थे। अच्छा। क्या? चलो देखते हैं। उसके साथ वो एक बोल्ड ब्रश भी लाए थे, उसे यहीं कहीं रखा होगा। ओ देखो ये रहा यहाँ पर। देखो असल में योनम ने जिवोन डायरी को इसी ब्रश से लिखा था। आप तो कमाल की सेल्स पर्सन आंटी जी। अच्छा तो फिर अब आप कह देंगे कि ये गोल्ड का है? हाँ बिल्कुल, वो प्योर गोल्ड का है। या बहुत मजे की सीरीज था। इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं दे सकते, थोड़े बहुत सीन निकालो फिर आप इस सीरीज को फैमिली के साथ जरूर दे सकते हो। यार हम के ड्रामा, यार आपको पता है के ड्रामा कोरियर के बहुत अच्छे जा रहे हैं। यार हम बहुत मजे की, यार जैसे आपको एक मौका मिले हाँ जी अपने माँ बाप चेंज करने का, आप करोगे कि नहीं करोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इस बात को। ये सीरीज भी उसी के ऊपर ही रिलेटेड है। अब हम इस सीरीज के ऊपर 16 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की लेंथ 40 मिनट के आसपास ही है। बहुत मजे की सीरीज है और इस सीरीज को ख़त्म कर दिया गया, लिमिटेड सीरीज है। अब हम इस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। यार इसमें हमारा जो मेन हीरो है ना, उसको ना मतलब ना बहुत बुली किया जाता था, मतलब कॉलेज में, मतलब वो बहुत गरीब होता, उसकी फैमिली भी गरीब होती है, मतलब उसको काफ़ी बुली किया जाता था। और जो मैं एक उसकी कॉलेज में एक और भी लड़का होता है, वो सारे अमीर अमीर सिर्फ वो ही होता है, इतना अमीर नहीं होता। वो सिर्फ स्कॉलरशिप से उस जगह पर पढ़ रहा होता है। बहुत मज़े की सीरीज, आप एक दफ़ा देखो ना आपको मज़ा आएगा। यार फिर ना वो बहुत परेशान होता है अपने। ये तुम 30,000 वॉन में ले सकते हो। अच्छा, प्योर गोल्ड की कीमत सिर्फ 30,000 वॉन? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो कोई मामूली गोल्ड स्पून नहीं है। जरा इसे देखो, देखो तो सही, ये वो गोल्ड स्पून है जो तुम्हें रईस बना सकता है। सॉरी, अगर बदले में अपने पेरेंट्स देने को राजी हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है। बदले में अपने पेरेंट्स? अब तुम अपनी उम्र के किसी को ढूंढो और उसके घर जाकर इस स्पून से 3 बार खाना खाओ, फिर तुम्हारी आत्मा एक्सचेंज हो जाएगी और उनके पेरेंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। आप चाहती हैं मैं इस पर यकीन करूं? अगर ये बात सच भी होती ना तो भी अपने पेरेंट्स का सौदा पा लेना। सही वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा बेटा। बोलो क्या ख्याल है, तुम अमीर नहीं बनना चाहते? जल्दी से हो जाता अपने माँ बाप को अमीर करना, अच्छे से सारा कुछ करें। अब उसको ना रास्ते में एक बुढ़िया नजर आती है, वो कहती है चम्मच ले लो। अब वो कहती है अपनी ये इसका आपको किसी एक जिससे भी हमें अदला बदली करनी ना 3 दफ़ा उसके घर इस चम्मच से हमें खाना खाना, जिसकी वजह से आपकी अदला बदली हो जाएगी उनके माँ बाप से, मतलब बॉडी वही रहेगी, मतलब आप भी वही होगे जैसे मैं हूँ। मैंने किसी से अदला बदली करी, मुझे याद होगा हाँ जी मैं किस माँ का बेटा था, कौन थी मेरी फैमिली। और जो उधर के लोग होंगे ना वो सारे भूल जाएंगे, वो मुझे किसी और नाम से पुकारेंगे, मतलब किसी और जगह से। बहुत मज़े की सीरीज है, आप एक दफ़ा देखो ना मज़ा आएगा। या इसी में ना वो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मतलब वो अपनी फैमिली को अमीर करने की कोशिश करता है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीरीज के अंदर काफ़ी राज छुपे हुए थे, और भी लोग होते हैं जिन्होंने इस गोल्डन स्पून को काम किया होता है, गोल्डन स्पून से अपने अदला बदली भी की होती है। यार इतनी सारी मिस्ट्री को आपने सॉल्व करना पड़ेगा। यार मज़े की सीरीज है, आप एक दफ़ा देखो ना यार, आपको मौका मिले आप करने, आप करोगे कि नहीं करोगे, कि अपनी असल माँ बाप के साथ ही रहोगे? मज़े की सीरीज है यार। अब इसी में हमें देना कैसे यश और राम की ज़िंदगी गुजारता है अपने माँ बाप की, क्या बहन भाइयों की कैसे ज़िंदगी वो अच्छी करता है कि नहीं कर पाता, क्या सीन होगा उसको, किन किन मुश्किलों का सामना पड़ने वाला, काफ़ी दफ़ा उसकी अदला बदली भी हो जाती है। बहुत मज़े की सीरीज, आप एक दफ़ा इस सीरीज़ को देखो ना आपको ज़रूर मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ये वैसे सीरीज यार। एंड पे वैसे मुझे थोड़ा दिल दुखा था, मगर एंड पे ऐसे कहानी को मीना यार इतना मज़ा है मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर किस्म की अपडेट ऐसी मूवी की आपको मेरी मिल सके।